नमस्कार दोस्तों, जनता जनार्दन की ओपिनियन में इनकम टैक्स विभाग या इनकम टैक्स विभाग के प्रोसीजर्स में पार्टिसिपेट करना किसी दुष्कर कार्य यानी पहाड़ पर चढ़ने से कम भी नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ वर्षों में आयकर विभाग की छवि में बहुत सुधार आया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसीज एट लार्ज के साथ अपने इंटरेक्शन में बहुत हद तक रिलैक्सेशंस, लीनियंसी या टू द पॉइंट बात करने पर जोर दिया। इसी संदर्भ में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दोस्तों ई फाइलिंग 2.0 फैसिलिटी लेकर के आपके लिए आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में सर, ई फाइलिंग 2.0 क्या है, इसी को ध्यान से समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने पर्पज रखता हूं कि भारत सरकार यानी आयकर विभाग क्या मानता है कि क्यों उनको ई फाइलिंग 2.0। आप ऑलरेडी ई फाइलिंग में रिटर्न अपनी भर रहे हैं, आप ऑलरेडी बहुत सारी सूचनाएं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ कंप्लायंस में ले दे रहे हैं। अब वो जो पर्टिकुलर सूचनाएं हैं उन्हीं को ई फाइलिंग 2.0 में जब लेकर के जा रहे हैं तो भारत सरकार ये मानती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये मांगता है कि हम एज ऑफ लिविंग देने की कोशिश करेंगे, हम टैक्स पेयर कन्वीनियंस के लिए ये प्रयास कर रहे हैं और हम मॉडर्न सीमलेस एक्सपीरियंस टू द टैक्स पेयर देंगे। यानी टैक्स पेयर को जो कि करदाता है, जब वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ में इंटरेक्शन करेगा तो वो इंटरेक्शन उसके लिए एक सुखद अनुभव हो, ना कि किसी प्रकार का दुखद अनुभव। निश्चित रूप से दोस्तों, अब आपका प्रश्न मुझसे ही होगा कि भाटिया जी, ये स्कीम कब से कमेंस होगी? तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इस संदर्भ में न्यूज़पेपर्स में भी एडवर्टीजमेंट देने शुरू किए हैं। ये स्कीम दोस्तों शुरू हो जाएगी 7 जून 2021 से। स्कीम का मतलब क्या है? एक नया पोर्टल आपको अवेलेबल होगा। मैं अब इस पोर्टल के संदर्भ में भी आपको जानकारी देता हूं। तो यहां दोस्तों आपके सामने बात रख रहा हूं प्रेजेंट पोर्टल वर्सेज न्यू पोर्टल। जो वर्तमान पोर्टल चल रहा है वो चल रहा है इनकम टैक्स इंडिया efiling.gov.in, और इसकी जगह जो ई फाइलिंग 2.0 कहा गया है सर, वो कहां से आएगा? incometax.gov.in। यानी अब तक आप इनकम टैक्स इंडिया efiling.gov.in पर लॉग इन करते थे, अब आपको incometax.gov.in पर 7 जून 2021 से लॉग इन करने पर फैसिलिटीज इनकम टैक्स के पोर्टल की अवेलेबल होगी। हाँ, एक बात जरूर इंटरेस्टिंग आपके साथ शेयर करूंगा सर, कि ये जो पोर्टल है इसकी आधारशिला कहीं ना कहीं 2019 में ही भारत सरकार द्वारा एक प्रेस रिलीज के थ्रू रखी गई थी, और अब जाकर के ये पर्टिकुलर पोर्टल अपने नए स्वरूप में आपके सामने 7 जून 2021 से इफेक्टिव होगा। दोस्तों, आपके सामने यहां पर की फीचर्स ऑफ ई फाइलिंग 2.0 भी रखता हूं, यानी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या मुख्य बातें होंगी इस पर्टिकुलर 2.0 ई फाइलिंग के ऑप्शन की। इमीडिएट प्रोसेसिंग ऑफ ITR एंश्योरिंग क्विक रिफंड्स टू द टैक्स पेयर। हालांकि पिछले एक साल में आपने देखा कि भारत सरकार ने रिफंड की प्रोसेस में तेजी लाई, लेकिन सारे रिफंड्स तेजी से जारी हुए ऐसा नहीं कहा जा सकता। बेसिकली अब भारत सरकार इस ई फाइलिंग 2.0 के थ्रू कह रही है कि वी विल बी इमीडिएटली प्रोसेसिंग योर ITR, ताकि जिन टैक्स पेयर्स के रिफंड ड्यू हैं उन्हें भी तत्काल रिफंड जारी किया जा सके। All interaction and uploads or pending action will be displayed on a single dashboard for follow-up action by the taxpayer. यानी as a taxpayer आपका जो भी interaction department के साथ होगा वो एक single window में आपके सामने available होगा, ताकि आप department के जो भी आपके प्रति communication है या आपको जो वहाँ पर request करनी है वो सब आपको one point available हो। Availability of free of cost ITR preparation software. भारत सरकार ITR प्रिपरेशन के सॉफ्टवेयर हालांकि XML फॉर्मेट में पहले भी देती आई है, लेकिन अब जो यूटिलिटीज हैं सर वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रूप में अवेलेबल होंगी, और ये कहा जा रहा है कि इसके साथ साथ इंटरैक्टिव क्वेश्चंस भी अवेलेबल होंगे, ताकि टैक्स पेयर रिटर्न भरते समय उन क्वेश्चंस को देखते हुए अपना आंसर ढूंढते हुए अपनी रिटर्न सुगमता से खुद फाइल कर सके। और देखिए सर, और क्या फीचर्स अवेलेबल होंगे? न्यू कॉल सेंटर फॉर टैक्स पेयर असिस्टेंट। जहां तक मुझे ध्यान आता है, अगर मैं अभी CPC में कनेक्ट करूं तो मुझे उतना अच्छा क्विकली रिस्पांस या टू द पॉइंट रिस्पांस बहुत कम मिल पाता है। तो आशा करता हूं कि जो ई फाइलिंग 2.0 की भारत सरकार बात कर रही है, जिसमें वो कह रहे हैं कि न्यू कॉल सेंटर फॉर टैक्स पेयर असिस्टेंस हम डेवलप करने जा रहे हैं, ये एक इफेक्टिव रूप में असेसीज एट लार्ज को बेनिफिट देने के लिए व्यवस्था खड़ी हो। Availability of FAQs, यानी frequently asked questions, tutorials, videos, chat box,
लाइव एजेंट, जैसे मैं किसी इंश्योरेंस कंपनी के यहाँ पर जाता हूँ कोई प्रोडक्ट सर्च करने, तो वहाँ तुरंत एक पर्टिकुलर मैसेज आ जाता है, डू यू हैव एनी क्वेरी प्लीज राइट टू अस। तो बहुत अच्छी बात है सर कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी तुरंत मुझे प्रॉम्प्ट करे कि भाटिया जी आपकी कोई क्वेरी है, मैंने लिखा हाँ साहब मैं एसएससी हूँ, मेरा रिफंड नहीं आया, बताइए मुझे क्या करना चाहिए, और मुझे लाइव एजेंट या चैट बॉक्स में एक रिप्लाई मिल जाए, कितनी बढ़िया बात हो सर। देखना होगा कि क्या ये 24 आवर्स फैसिलिटी होगी या इसको लिमिटेड आवर्स के लिए लाया जाएगा। लॉन्चिंग अ मोबाइल ऐप विथ ऑल की फंक्शंस, ये जो ई फाइलिंग 2.0 है सर, जो अब तक एक वेबसाइट के रूप में अवेलेबल है, अब इसे एक मोबाइल ऐप की शेप भी दी जाएगी। न्यू ऑनलाइन टैक्स पेमेंट सिस्टम, भारत सरकार बात कर रही है, अभी हम एनएसडीएल की साइट पे जाके पेमेंट करते हैं, अब जो नए ऑप्शन उसमें जुड़े जाएंगे, यूपीआई के थ्रू पेमेंट, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट, आरटीजीएस एनईएफटी के थ्रू पेमेंट की भी बात यहाँ पर भारत सरकार कर रही है। कुछ बातें दोस्तों जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, जो प्रेजेंट पोर्टल है वो आपको 1 जून 2021 से 6 जून 2021 के बीच उपलब्ध नहीं होगा, यानी अगर आपकी कोई पेंडिंग इन्फॉर्मेशन है जो आपको कलेक्ट करनी है या आपको डिपार्टमेंट से अभी कोई इंटरेक्शन करना है, तो आप अपना काम 1 जून 2021 से पहले यानी 31 मई तक कर लें। 1 जून 2021 से 6 जून 2021 के बीच डिपार्टमेंट का पोर्टल इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग डॉट जी ओ वी डॉट इन अवेलेबल नहीं होगा। 7 जून से आपको नया पोर्टल अवेलेबल होगा, तो अगर कोई बहुत अर्जेंट वर्क नहीं हो तो मैं इसे किसी प्रकार से चिंता की बात नहीं मानता। हेयरिंग ऑफ केसेस एंड फर्दर कंप्लायंस विल बी टेकन अप विद इफेक्ट फ्रॉम 10th of June 2021। भारत सरकार ये कह रही है कि अगर आपका 1 जून से 6 जून के बीच में कोई कंप्लायंस आता है तो उसको फर्दर 10 जून 2021 से टेकअप किया जाएगा। अगर आपकी 1 जून से 6 जून 2021 के बीच में दोस्तों कोई हियरिंग या कंप्लायंस पेंडिंग हो रही है तो वो स्वतः पोस्टपोन या एडजर्न कर दी जाएगी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ई फाइलिंग 2.0 के रूप में जो ये वर्जन भारत सरकार करदाताओं के बेनिफिट के लिए लेकर के आ रही है, ये पोर्टल, ये पर्टिकुलर फैसिलिटी निश्चित रूप से एसएससीज एट लार्ज के लिए बेनिफिशियल सिद्ध हो, उनकी टैक्स क्वेरीज का ज्यादा से ज्यादा सिंपल वे में क्लेरिफिकेशन या आंसर्स भारत सरकार की ओर से मिले, और एक टैक्स फ्रेंडली माहौल में जनता जनार्दन के लिए ये नया प्लेटफॉर्म कॉन्ट्रीब्यूटर बने। इसी आशा के साथ दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।